लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है और अब से कुछ घंटों के बाद जो काउंटिंग है यानी मतगणना वो भी सबके सामने होगी और जो रिजल्ट है वो सभी के सामने होगा। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव में वोट की अपील करी और किस तरीके से उनको समर्थन मिला, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली साहब हैं। बासित साहब, पहले तो क्या मुद्दे रहे जिस पर आप लोगों ने तमाम चौपाले लगाई, तमाम रैलियां सभाएं करी, मुस्लिम इलाकों में गए, मुस्लिम गांव देहात में गए, क्या मुद्दे आप लोग को दिखे और वोट की अपील किस बिना पर करी? देखिए, जब 10 साल मोदी जी को सरकार के दौरान जो काम हुए हैं 10 साल में, उन कामों की जब बात की तो मुसलमानों ने केवल एक ही बात कही, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष हूँ, मेरी अधिकतर जो मीटिंग्स हैं वो मुसलमानों के बीच रही और मुस्लिम माओं बहनों के साथ साथ बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, सबने एक साथ कहा कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है और भाई इसलिए है कि जो 10 सालों के अंदर योजनाओं का लाभ मिला, इतना लाभ किसी सरकार के अंदर मुसलमानों को नहीं मिला। हम हजारों ऐसे लोगों से मिले जिनको घर मिले थे, अलग अलग तरह के लाभार्थी, चाहे वो शौचालय कर रहा हो, आयुष्मान भारत के तहत उसको लाभ मिला हो और बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा रहा हो, तमाम मसलों पर लोगों ने मोदी जी की तारीफ की और मोदी जी को सपोर्ट करने का, वोट करने का वादा किया। क्या समर्थन मिला? निश्चित रूप से समर्थन मिला है और जब सरकारें बनती हैं तो किसी एक वर्ग, एक विशेष जाति की नहीं बनती, पूरे देश की बनती है और इस बार मोदी जी को सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के तहत, सबके प्रयास से इस बार खूब मुसलमानों का वोट मिला है और मुसलमानों की दुआएं मिली। मुसलमानों का जिक्र आपने किया है तो एक बात हम भी कहेंगे कि इस चुनाव में आपने भले ही मुद्दे कुछ बताए हों लेकिन मटन मछली मुसलमान ये भी कहीं ना कहीं मुद्दा रहा है, तो कैसे आप लोगों को समझा सकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के साथ है? कैसे आप समझा सकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए है? कैसे आप समझा सकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में तीसरी बार आएगी तो मुसलमान सुरक्षित है? देखिए, कुछ मीडिया का और लोगों का परसेप्शन ऐसा हो गया है कि जहां जब कोई बात होती है तो गेंद मुसलमान की तरफ उछाल दी जाती है। आपने जैसे कहा मटन मछली, मटन मछली से मुसलमान का ताल्लुक नहीं है। देश के अंदर जितनी मुसलमानों की आबादी है उसके 4 गुना लोग नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज से ताल्लुक मुसलमान का नहीं है और जिन महाशय की ओर इशारा किया है वो भी मुसलमान नहीं है। तो एक खास वर्ग के लिए, अपने मतदाताओं के लिए उन्होंने उस सिंबॉलिक तौर पर वीडियो बनाया, वीडियो उन्होंने गलत टाइम पर पोस्ट किया, भ्रमित करते हुए पोस्ट किया। उस टाइम जो दिन थे वो ऐसे मान लीजिए हमारे रमजान में कोई रोजा ना रखे और दिन में खाना खा रहा हो तो सवाल थोड़ा लाजमी है कि रोजा नहीं रखा है क्या। तो नवरात्रों के दौरान वो वीडियो आया, फिर उन्होंने बताया कि हमने तो डेट भी डाली थी। खैर, वो उनका मसला है, लेकिन मुसलमानों के मुतालिक ये सबसे अच्छा चुनाव रहा क्योंकि मुसलमानों के भ्रम को दूर करने का काम मोदी जी ने अलग अलग रैलियों में, अलग अलग भाषणों में किया और जो एक वर्ग था उसको पूरा मौका मिला कि जो मुसलमानों को लटकाने, भटकाने, बहकाने का वो काम करते आए हैं वो करते रहे, ताकि उनकी मानसिकता गंदी है विपक्ष की। मैं चाहे सपा बसपा कांग्रेस या आरजेडी या लालू कालू ममता केजरीवाल की बात करूं, किसी की बात भी कर लूं, जब बात मुगलों की होती है तो मुसलमानों की तरफ उछाल देते हैं, जबकि मुगलों से मुसलमानों का उतना ही ताल्लुक है जितना अरविंद केजरीवाल का, जितना अखिलेश जी का, जितना अपने तेजस्वी का या किसी भी आदमी का, क्योंकि ना आपका ताल्लुक है ना मेरा ताल्लुक है। वो देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए थे, उन्होंने राज किया, चले गए। आज उनकी ना मानसिकता ना उनके लोग हिंदुस्तान में नहीं रहते, वो आक्रांतक थे। बाबर की बात हुई, औरंगजेब की बात हुई, जब भी इस तरह के लोगों की बात हुई तो लोगों ने केवल एक ही बात कही कि मुसलमानों का जिक्र किया। मुसलमानों का नहीं, इस देश की अस्मिता पे, इस देश की एकता पर जो हमले हुए उन बातों का जिक्र किया गया। वो मुसलमान नाम हो सकता है लेकिन वो मुसलमान काम से नहीं। बाकी भाई, एक बात आपकी भी करेंगे, एक बयान आपका बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, एक फैसला आप लोगों ने लिया, आपकी पार्टी ने लिया कि इस बार
जो चुनाव है उसमें फर्जी वोट ना डाले जाए, इसको लेकर जो बुर्का नहीं महिलाएं हैं, जो पर्दा करती हैं, यानी साफ तौर पर मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनकी जो पहचान है वो सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके लिए बीजेपी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा में जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो एज अ एजेंट के तौर पर काम करेंगे, एज अ वहां पर जो बूथ है वहां पर मौजूद रहेंगे और इस चीज को देखेंगे। लेकिन जो वीडियो सामने आई उसमें ये देखा गया कि मुसलमान नहीं, एक दूसरे तबके से आने वाला एक युवक, उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ आठ वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डाले, इसको कैसे देखें? देखिए, केवल चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई भी की, FIR भी दर्ज हुई, गिरफ्तार भी हुआ, और ये एक कानून के उल्लंघन का या चुनाव को खराब करने का मामला था। चुनाव आयोग ने उस पर काम किया और मुझे लगता है कि जो हमने मुहिम चलाई थी उसका रिजल्ट यह आया कि आपको हैदराबाद से तो बुरके वाली खबर सुनने के लिए मिली होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश से इस बार फर्जी वोट की खबर नहीं मिली, क्योंकि हमने एक योजना बनाई और योजना के तहत तमाम लोगों को उसमें लगाया। इस बार फर्जी मतदान की खबरें उत्तर प्रदेश से मुझे सुनने को नहीं मिली, जो हर बार होता था। हम चाहते हैं कि जिसका मत हो वो मत डाले, फर्जी मतदान ना हो, और फर्जी मतदान अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके पार्टी भी और मैं भी और पूरे देश के सब लोग खिलाफ है, क्योंकि मत आपका मताधिकार है, अधिकार है, अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। आप फर्जी वोट बुरखे के पीछे ढूंढ रहे थे लेकिन वो तो दूसरी तरफ, देखिए वो भी आप ही की पार्टी। देखिए सुनिए, कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत करता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने बचाया तो नहीं? अगर वो वीडियो सामने आया तो चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई की, और एक वीडियो आया उस पर कार्रवाई हुई, जो भी उसका निष्कर्ष निकलेगा वो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई। बहुत शुक्रिया। एक सवाल और रहेगा, अभी कुछ मिनटों पहले हम लोग सपा दफ्तर में थे, अखिलेश यादव जो सपा मुखिया है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने कहा है ये जो एग्जिट पोल है जो आप लोग की पार्टी को पूर्ण बहुमत से भी आगे कहीं ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वही एजेंसियां हैं जो भाजपा के बूथ मैनेजमेंट का काम करती है। देखिए, उनकी जैसी बुद्धि है, जैसा उनका विवेक है और जैसी उनकी जानकारी है, वो उस तरह की बात करते हैं। मुझे लगता है कि उनको इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि किस तरह से पांच यादव के अलावा इस दुनिया के अंदर यादव हैं उनकी उनकी खोज करें, क्योंकि इस दुनिया के अंदर पांच ही यादव हैं जिनको उन्होंने टिकट दिया और कोई यादव नहीं है। उनको इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि जो उन्होंने आजम खान के खिलाफ टिकट दिया, अब वो आजम खान पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या आजम का सब्स्टिट्यूट वो लाए हैं, उनको चिंता इस बात की भी करनी चाहिए कि जिन मुसलमानों की वो बात करते थे, जो मुसलमान को वोट देते हैं, उनको टिकट कब देंगे, क्योंकि आज सबसे ज्यादा कम टिकट उन्होंने दिए हैं तो ज्यादा वोट उनको मिलता है। उनकी पार्टी की जो बुनियाद है वो धार्मिक तुष्टिकरण बंटवारे पर आधारित है, उसी को लेकर वो चलते रहे, और उनको जो है चर्चा इस बात की भी करनी चाहिए कि जो उन्होंने इतना लंबा चौड़ा खानदान जोड़े उसमें जुड़े, तो उसमें उनकी पोजीशन क्या रहने वाली है, उनका सम्मान कैसे बचेगा, उनका अगले चुनाव में किस तरह से टिक पाएंगे, क्योंकि अब मुख्यमंत्री राहुल गांधी बनेंगे अगले चुनाव के अंदर, या प्रियंका गांधी या अखिलेश, उनको अभी से ये भी जनता को बताना चाहिए, क्योंकि जब समझौता है ये समझौता मतलब परस्त लोगों का है, ये जनता को नेतृत्व देने का समझौता है, ये समझौता लंबे टाइम चलेगा या केवल मोदी हराओ का गठबंधन था, तो उनको इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए कि मुसलमानों को किस तरह से भला करेंगे, किस तरह समाज में आगे लाएंगे। वो लगातार वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो आज भी इससे आगे नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आपने यादव का जिक्र किया है। तो एक सवाल और चलते चलते कि आप लोग कह रहे हैं कि पांच यादव से ज्यादा समाजवादी पार्टी को दिखे नहीं, अखिलेश यादव को दिखे नहीं, टिकट दिया नहीं, पांच वो यादव उनके परिवार से, नो डाउट। लेकिन जब यही समाजवादी पार्टी यादवों के लिए अगर कुछ करती है तो यही भारतीय जनता पार्टी जिसके आप अध्यक्ष हैं एक मोर्चे के, तो आप लोग उन पे प्रहार करते हैं, आप लोग उनको घेरने का काम करते हैं, तो मतलब चाह क्या रहे हैं कि यादव को आगे लाया जाए पार्टी में कि ना लाया जाए, मतलब क्या है क्या? ये लोकतंत्र है, यहाँ वंशवाद की और कुर्सी और राजा रजवाड़ों की लड़ाई नहीं बची है। यादव उनके परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और
हमारे पास मोहन यादव जी हैं जो एक आम कार्यकर्ता है, हमारे यहाँ सुभाष यदुवंश जो MLC हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, हमारे यहाँ एक आम यादव भी कहीं से कहीं पहुंच सकता है, लेकिन उनके यहाँ एक परिवार का होना जरूरी है, तो उससे आगे आज तक वो नहीं निकल पा रहे हैं। चर्चा इस पर भी होनी चाहिए यादव परिवारों के अंदर कि अब यादव कौन, जो मुलायम सिंह यादव या दुनिया के तमाम यादव, उससे आगे वो किस तरह सोचते हैं, उनको अपने समाज को अपने लोगों को बताना चाहिए। चलिए, आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी या यूं कहूं कि NDA की कितनी सीटें इस लोकसभा 2024 के चुनाव में आ रही है? देखिए 400 पार अगर कहा है तो वो एग्जिट पोल के अंदर दिखाई भी दिया है, और लगभग हम 380 से 400 तक पहुंच रहे हैं, और मुझे लगता है कि एग्जिट पोल जो लोग कर रहे थे वो देश के मूड का सही अंदाजा नहीं लगा पाए हैं। हम हर कंडीशन में 400 से पार जाएंगे, और जहां 380 दिया है मुझे लगता है वहां 400 ही पहुंचेगा, ये मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली साहब को सुन रहे थे। साफ तौर पर जो नारा शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया उसी पर कायम है, और कह रहे हैं कि कल यानी अब से कुछ ही घंटों के बाद जब EVM खुलेगा, जब पेटियां खुलेंगी, तो भारतीय जनता पार्टी और जो उनके घटक दल है यानी NDA जो है वो 400 पार के साथ तीसरी बार देश में सरकार बनाएगा। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ अरसलान समदी, उत्तर प्रदेश टाइम्स।